गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। आज रीडिंग करते हुए जो है वो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ द फोर्थ टाइम कि मैं रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ और कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं। कभी कॉल आ जाती है, कभी कोई नॉक कर लेता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस भी जो हैं वो एक सिग्नल होती हैं। बट ये एक कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये लव रीडिंग है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से कि मैं आज नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये नो कांटेक्ट भी बड़ा डिफरेंट है। मुझसे बहुत से लोगों ने जो है वो 3-4 दिन से, बल्कि 5-6 लोगों ने ये बात पूछी कि हमारी ब्रेकअप सिचुएशन है, लेकिन ब्रेकअप हुआ क्यों, इस पे रीडिंग करके बताओ। तो एक नहीं, दो नहीं, 5 से 6 लोगों ने ये बात पूछी। तो मुझे ये लगा कि चलें इसको जनरल रीडिंग करके देखते हैं। जिसके लिए भी रीडिंग होगी, जो व्यूअर्स हैं वो उसको ऑलरेडी फ़िल्टर कर लेंगे और अपने आप से रेजोनेट कर लेंगे, वही मैसेजेस पिक करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि आपके ब्रेकअप जो हैं वो विदाउट एनी क्लोजर, किसी बात को बताए बगैर, कुछ रीज़न दिए बगैर भी आपके ब्रेकअप हो जाते हैं। और फिर बहुत सालों बाद जो है वो आपका जब रियूनियन होता है या मुलाकात होती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई क्यों हो गया था। तो दिस इज़ समथिंग वेरी मिस्टीरियस। लोग जानना चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ। हर इंसान की जो है वो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। इंट्रो लंबा हो गया है, बट इवन देन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस। ये डेफिनेटली सबसे बड़ी बात, ब्रेकअप है तो आपके एक्स ही होंगे। ये दिस कुड बी योर एक्स वाइफ, योर एक्स हस्बैंड, एक्स फियांसे, क्रश, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटसोएवर द ब्रेकअप सिचुएशन इज़, जो आपके साथ अभी नहीं है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कार्ड्स में शफल करूँगी और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। अब ब्रेकअप हुआ हुआ है तो डेफिनेटली वो किसी गुड नोट पे तो होता नहीं है, बट आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू वांट टू एक्चुअली नो द रीजंस के ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो लेट्स सी, बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, एज आई ऑलवेज से, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, थिंक ऑफ योर पार्टनर और दुआ करें। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन दिस इज़ समथिंग सेंसिटिव टू, बट आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है एंड स्टिल यू वॉन्ट टू नो, तो दैट मीन्स कि मोहब्बत अभी भी है, तभी तो आप ये रीडिंग देखें। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, थिंक ऑफ योर पार्टनर, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, ब्रेकअप क्यों हुआ। डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो होगी, लेकिन हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी किस फॉर्म में थी। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। Got four cards, four of pentacles, eight of wands, the emperor of pehla card, okay, aries hai koi bahut hi strong, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, अभी तक तो अर्थ साइन, फायर साइन एंड एरीज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये ब्रेकअप क्यों हुआ? ये ब्रेकअप, सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन हैं वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, लीड करते हैं लोगों को, बहुत डोमिनेंट हैं, मैच्योर हैं। आपका और आपके पार्टनर का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या तो आप बड़े हैं या वो बड़े हैं, मामूली शख्सियत नहीं है जो भी हैं, अपने अंदर ही एक किंगडम रखते हैं। आप उनको, सबसे पहली बात, ये ब्रेकअप हुआ क्यों? आपके पार्टनर, एक तो सबसे पहली बात कि ऑलरेडी किसी से शादीशुदा थे या कमिटेड थे, और अगर ऐसा नहीं था तो वो आपकी लाइफ में तब आए जब उनका ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप हुआ हुआ था। एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, ठीक है,
अब थे मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि ब्रेकअप हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली अभी करंट सिचुएशन तो नहीं होगी, ठीक है। आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए तो इतना इतना ज्यादा उनको आज तक किसी ने, उनके पास्ट लव ने या पास्ट रिलेशनशिप ने भी इतना अट्रैक्ट और इतना पुल नहीं किया था जितना आपने उनको किया। दूर रहते थे आपके पार्टनर, डिस्टेंस आप लोगों के रिलेशनशिप के ब्रेकअप की एक बहुत बड़ी वजह बना। दूरी बहुत थी, यानी ऐसा नहीं था कि आपके नियर बाय एरिया में रहते होंगे, आस पड़ोस जिसको कहते हैं। सिटी वाइज भी डिस्टेंस है और कंट्री वाइज भी डिफरेंट डिस्टेंस है विद दिस वाटर एंड माउंटेन्स, राइट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि ब्रेकअप हुआ क्यों, ये ब्रेकअप आपके अपने पार्टनर की ज़िद की वजह से हुआ। अब ये ज़िद क्या है, वो जब आप उनको आपकी लाइफ में मिले हैं, उनकी लाइफ में जब आप आए हैं, वी कैन से कि जो हैपनिंग हुई है, नंबर फोर और नंबर फोर यहाँ पर दो दफ़ा है। राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग्स, सिंपल सी ये बात है। और ये ब्रेकअप इस वजह से भी शायद हुआ होगा, मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी भी आपको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो आपके लिए एग्जैक्टली फील क्या करते हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करके रखा और अपनी फीलिंग्स को भी बहुत कंट्रोल करके रखा, जबकि उमड़ उमड़ के, कहना चाहिए उमड़ उमड़ के, कूट कूट के जो है ना, उनको फील हो रहा होता था कि वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डाउनलोडिंग, जिसे कहना चाहिए ना, इमोशंस की डाउनलोडिंग हो रही होती थी। बट वो खुद भी शायद एक मेच्योर एज पे होने के बाद उनको खुद भी सरप्राइज हो रहा होता था कि ये कैसे जो है ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो है मेरी मुझे मिल गई है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत कंट्रोल किया और हावी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया। और शायद अभी भी टिल डेट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अगर रिग्रेट भी होता है, वो सॉरी भी फील करते हैं, उनको अपॉलोजी भी अगर नोटिस हो रही होती है कि उनको आपसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, तो वो भी शायद वो नहीं बता रहे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, बहुत ही ज़्यादा ईगो में हैं। अना बहुत है उनको, ऐसा लगता है कि जैसे वो एक प्राइड है, यानी ज़िद्दी तो है ही है। एम्परर जो है वो बहुत अथॉरिटी का कार्ड होता है, एम्परर जो होता है वो इतना डोमिनेटिंग कार्ड होता है, इतना डोमिनेंट पर्सन होता है, क्योंकि जाहिर बात है किंगडम को रूल कर रहा है, लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, पाइट पाइपर वाली बात होती है। लेकिन एक बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, एक सह रखने वाले पर्सन हैं ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बैलेंस रखते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लोगों की लाइफ के फैसले करते हैं, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं। और उनको लगता था कि आप उनकी लाइफ में ऐसे फेज़ में, ऐसी जगह, ऐसे मोमेंट पे एसोसिएट हुए हैं कि जहाँ वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते, इसीलिए वो इतने सीक्रेटिव थे। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, यानी कि कोई और थर्ड पार्टी तो यहाँ पर नज़र आने के कोई चांसेस ही नहीं नज़र आ रहे। रीजंस अभी हम और देखेंगे, लेकिन सबसे क्लियर बात यह है कि जो मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म आपके पार्टनर की वजह से ही हुआ था। तो क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक इमेज रखते थे, एक कैलिबर रखते थे सोसाइटी में, और उनको आप मिले ही तब, बहुत वेट करने के बाद, जब उन्होंने अपनी लाइफ में किसी दो लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया था, उन्होंने किसी दो लोगों को एक्सपीरियंस किया और उनका समहाउ एक ट्रस्ट उड़ गया था कि मोहब्बतें, रिलेशनशिप इतने ऑथेंटिक नहीं होते, जो भी मिलता है किसी मकसद से मिलता है। और वो अपने वर्क में और अपने अपनी वर्किंग में, अपनी जॉब में, अपने करियर में बहुत प्रमोशन उनको मिली, उनको बहुत फेम मिला, और जब आप उनको मिले हैं तो फिर वो एक बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए ना, आपने उनको आके हिलाया है एक तरीके से। और जब हिलाया तो उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि वो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, इस इमोशन को जो ट्रिगर हो गया, उसको हैंडल कैसे करें। तो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, और उस कंट्रोल करने का नतीजा ये हुआ कि उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं, प्लीज़ गिव अस मोर आंसर्स, हमें और आंसर्स दीजिए कि ये रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हुआ। दो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो एज डिफरेंस,
प्लस कल्चरल डिफरेंस भी कह सकते हैं, कास्ट डिफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बहुत नज़र आ रहा है। प्लस आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने के बाद इस बात को ज़्यादा रियलाइज़ किया कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल, टावर मोमेंट एक कन्फर्मेशन है आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसे कहना चाहिए बड़ी धुआंधार तूफान बदतमीज़ी, एक दूसरे को कूट मार दे देने वाली लड़ाई हुई है। और शायद कुछ ऐसा ज़रूर कहा गया, दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को ज़रूर कहा कि या तो आपने बहुत रोए पीटे हैं, आप बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं, बहुत बेगिंग की है आपने नहीं तो फिर आपके पार्टनर ने की है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत इस बात का रियलाइज़ करवाया कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बट आपने इस बात को बॉदर नहीं किया बिकॉज आप या आपके पार्टनर दोनों इस सिचुएशन में नहीं थे कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चल सकें, और फिर आप लोगों के दरमियान काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई है। लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर तो बहुत सीक्रेटिव नज़र आ रहे हैं, आपके जो एक्स हैं विद दिस कार्ड, डेफिनेटली फिर आपने जो है वो काफ़ी रोना पिटना मचाया है, या ये आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत सीक्रेट हों, आप क्लोजर ना देते हों, कुछ बोलते ना हो। प्लीज़ गिव अस मोर साइंस। सी, अभी मैंने ट्रिगर करने की बात कही थी, उनकी लाइफ में सब कुछ था एक्चुअली। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और उनकी लाइफ में सब कुछ था, वो कम्प्लीटली जिसे कहना चाहिए ना, वो लोडेड थे, जैसे मैंने पहले बात कही थी कि वो सब कुछ लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस कर चुके थे, सिर्फ ट्रस्ट इशूज़ जो थे वो रिलेशनशिप को लेकर थे, और आप उनकी लाइफ में आ गए। तो उन्होंने खामोशी से बैठ के उस मोमेंट को इन्जॉय करना बेहतर समझा, कुजा के वो देखे नाइन कप्स हैं, एक कप मिसिंग है, और वो एक कप आप ही थे जो उनकी लाइफ को कम्प्लीट कर सकते, तो उन्होंने उसको वे फॉरवर्ड किया ही नहीं, वो वहीं पर ही रुक गए। लेट्स सी मोर। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स। क्या क्या रीजंस थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ? प्लीज़ क्या रीजंस थी? प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एंड उसको मैं यहाँ कर देती हूँ। काफ़ी सारे आंसर्स मिल गए। हो सकता है आप लोग किसी काम की जगह पे मिले हों, और आपके कोलीग हो सकते हैं ये जो आपके एक्स थे, आप लोगों को किसी फ्रेंड ने मिलवाया था, ये भी बात हो सकती है। प्लस आपके पार्टनर ये भी समझते थे कि आप उनसे वे बेटर हैं, आप ऐसे हैं, आप टू गुड टू बी ट्रू हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं मैं विद दिस एम्प्रेस कार्ड, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं। उनको ऐसा भी फीलिंग, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होती थी, या आपको ये इनसिक्योरिटी होती थी कि उनको लाइफ में और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और शायद डे वन से आपके दिमाग में ये बात है, डे वन से आपके दिमाग में ये बात है कि आपका पर्सन आपसे बेटर है, जिसकी वजह से आपने अपनी प्राइड में और अपनी ईगो में रहकर ये बात एक्सपोज नहीं की, उनके ऊपर ज़ाहिर नहीं होने दी, जबकि आपके पार्टनर आपको बहुत कंप्लीट देखते हैं। आपने बड़े कट थ्रॉट से मुझे पर्सनालिटी आपकी लग रही है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जो कार्ड आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है, बड़ा स्टबन और बड़ा ही कट थ्रॉट कार्ड होता है, बहुत ही लॉजिकल पर्सन होते हैं, जब इमोशंस की बारी आती है तो उसी वक्त उनको प्रैक्टिकल होना याद आ जाता है। तो हो सकता है आपने जो है कुछ इस तरह की बातें उनको इतनी ब्लंटली कह दी, जबकि आपके पर्सन जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहे हैं। उन्होंने शायद आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत इन्जॉय किया है, अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय किया है, किसी कुलीग के थ्रू मिले हैं डेफिनेटली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपने उनको जस्ट बिकॉज आपको ट्रिगर होता था, आपको बहुत ये ट्रिगर होता था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई इतना अच्छा पर्सन भी हो सकता है, और आप ये बाज़ दफ़ा फील भी करते थे कि मैं कुछ करूँ उसके लिए, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, जैसे मैंने पहले बात कही, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग्स, और उस वजह से ये हुआ कि आपने या तो बेटर समझा कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर आपके पार्टनर ने समझा। दिस एम्प्रेस कार्ड, आई फील दिस इज़ योर पार्टनर। पहले मुझे ये आप लग रहे थे, लेकिन नाउ आई फील दिस इज़ योर पार्टनर, क्योंकि देखें
रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप क्यों हुआ, एक और कार्ड यहाँ पर फंसा हुआ है, ओके यस फाइव ऑफ वांड्स, लड़ाई हुई है आप लोगों की। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत फाइट भी की, यानी कि शायद वो बहुत आउट ऑफ द वे भी गए आपको हासिल करने के लिए या आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए, लेकिन आपने एफर्ट ही नहीं की कि आप उनके साथ जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ें, बिकॉज आप जैसे मैंने कहा कि आप जैसे ही जो है वो यानी इमोशनल साइड देखनी चाहिए आप फौरन उसी वक्त लॉजिकल हो जाते थे, और ये अगर आप नहीं हो जाते थे तो या तो आपके पार्टनर ऐसा बिहेव करते थे, और आप लोगों की लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है कि वो जो थर्ड पर्सन है आप लोगों के रिलेशनशिप या ब्रेकअप में, दिस कुड बी एनीथिंग, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये कोई फैमिली में पर्सन हो सकता है, लेकिन ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली एक वर्क प्लेस का कार्ड होता है कि ऐसी कोई सोशल प्लेस पर आप लोग की मीटिंग हुई है, तो ये ऐसा कार्ड होता है। तो ये हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हों, किसी कुलीग ने आपको मिलवाया हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आप लोगों को मिलवाया हो, और उसके साथ आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन अब कॉन्टैक्ट में आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो यहाँ पर दो कन्फर्मेशन आ गई हैं कि ये ब्रेकअप जो भी हुआ इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है, ब्रेकअप आपके अपने पार्टनर की ज़िद की वजह से ही हुआ है, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर ये आपकी एनर्जी है। आप दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहे हैं, दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ, उनको लगता है आप सही हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को पीक पे इन्जॉय किया, पीक पे जिसे कहना चाहिए, यानी कि एवरीथिंग यू नो फुलफिल, हर चीज़ को, अगर फन है तो वो भरपूर किया, लस्ट है तो वो भरपूर किया, रोमांस है तो वो भरपूर किया, और बहुत बड़ी बड़ी मतलब अगर कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाए किंग ऑफ सॉर्ड एंड एम्प्रेस, जितना एक प्रैक्टिकल पर्सन है उतनी एक नर्चरिंग पर्सनैलिटी साथ में है, जितना कोई सॉलिड है, क्लैरिटी रखता है, डिसीजन मेकर है, अथॉरिटेटिव है, उतनी ही एक सॉफ्ट सी इमोशनल सी पर्सन जो है वो साथ में है। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, लेकिन दोबारा कहूँगी मैं एक ही बात बार बार कह रही हूँ, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग्स। ओके लेट्स सी मोर क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में और सोशल फैक्टर्स क्या क्या थे। आपने या तो आपने खुद इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, कट ऑफ कर दिया, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ में ऐसा सच नहीं रहा। कि कार्ड आ गया है फॉल्स पर्सन, नंबर एट, ये पर्सन, आप दोनों ही ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाई हैं, दोनों ने, इधर वो अपना फेस छुपा रही हैं, उधर वो अपने, उन्होंने आंखों पे मास्क पहना हुआ है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एज अ फॉल्स पर्सन, यानी एक दूसरे को सच नहीं बताया आप लोगों ने। थीफ नंबर 24, सी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों के सामने से ही आपके पर्सन को कोई लेकर चला गया और आप देखते रह गए। कंसर्न, एज आई सेड, काफी मैच्योर पर्सन है, काफी एज में भी डिफरेंस है, यहां पे कंफर्मेशन आ गई, आपका रिलेशनशिप उनके लिए डे टू डे कंसर्निंग बनता जा रहा था, क्योंकि शायद आपको ये लगने लगा था कि ये पर्सन अगर मेरे साथ एसोसिएटेड रहा तो शायद मैं कोई गलत स्टेप ले लूं, या वो पर्सन मेरे लिए गलत स्टेप ले ले। इसीलिए ये रिलेशनशिप आपके लिए कंसर्न बन गया। 3+3=6, 2+4=6 एंड 8। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड, और क्या रीजंस थी इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप में। प्लीज गिव अस मोर कार्ड क्या रीजंस थी इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप में।
ऑक्यूपेशन. अच्छा, शायद आप लोगों का काम एक जैसा था और आप लोग उस जगह पर अगर रहते और कंटिन्यू करते काम को तो शायद प्रॉब्लम उठती. आप लोग शायद ऑफिशियल प्लेस पर जो है वो नहीं कंटिन्यू कर सकते थे इस रिलेशनशिप को. और अगर ऐसा नहीं है तो किसी ने अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी दी, रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं दी और करियर को प्रायोरिटी दी. और उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया. ऑक्यूपेशन का कार्ड यहाँ पर, वैसे तो लेडी ये कुछ कपड़े वपड़े सी रही हैं बट ऑक्यूपेशन से बात क्लियर हो रही है. ओके. लेट्स सी मोर, ये रिलेशनशिप क्यों ब्रेकअप हुआ. काफ़ी क्लियर मैसेजेस वैसे तो आ गए हैं. सिक्स नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, फोर बहुत ज़्यादा आया है, इवन नंबर्स बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पर. तो किसी को 8 महीने हो गए होंगे, किसी को 8 हफ्ते हो गए होंगे, किसी को 8 साल भी हो सकते हैं. ओके. बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा था. एज आई सेड, देखिए सर्विस, किसी की हेल्थ ख़राब हुई थी, कोई पेरेंट की हेल्थ इन्वॉल्व हो सकती है, ये ब्रेकअप इस वजह से भी हुआ. कोई ये न्यूज़ सुन के शॉक हो गया होगा, बच्चे इन्वॉल्व होंगे. वन मोर कार्ड प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ. ऑलराइट, आ गया है कार्ड नीचे. क्रिएशन, ऑक्यूपेशन की बात आई थी, क्रिएशन की बात आई थी. किसी ने कि रिलेशनशिप से ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी. कुछ और अपनी लेगेसी क्रिएट करने लगे. यस, प्रोफेशन में कोई दोनों में से एक इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो गया था. फुल स्टॉप नहीं लग सका. लेट्स सी कि ब्रेकअप तो हो चुका है लेकिन रोमांस ओरेकल से क्या मैसेज आते हैं. प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, फिर हम रीडिंग एंड करेंगे. प्लीज़ गिव अस कार्ड, इस रिश्ते का ब्रेकअप क्यों हुआ. फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली. वेडिंग, शादी बहुत बड़ा फैक्टर थी. मैंने शुरू में ही कह दिया था दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपके पार्टनर को आप तब मिले जब वो ऑलरेडी शादीशुदा थे या उनकी ऑल पिछले रिलेशनशिप में ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हो सकता है सेकंड मैरिज हो, दो दफ़ा शादियां हुई हो, पहली शादी टूटी हो. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में ज़रूर रही है. आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड थे जो आप लोगों के एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड के दरमियान रहे हैं. एक और कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी मैं रख देती हूँ, फ्री योर सेल्फ. अभी तक अगर आप उस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी यही मैसेज है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. रिलीज कर दें अपने आप को इस पेन से, इस मुश्किल से अपने आप को रिलीज कर दें. जो बिछड़ गया सो बिछड़ गया.
एक गाना चैनल हो रहा है अभी, लेकिन थोड़ी रीडिंग सेंटी हो गई है। लेट्स सी कि आप इस अभी तक उस पर्सन को याद करते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना गहरा असर छोड़कर जाए, आप उसको कहाँ भूलेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। फ्री योरसेल्फ का एक मैसेज तो आ ही गया है, एक और कार्ड लेते हैं और फिर हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। द हीलिंग लाइट, ओ माई गॉड। आई थिंक आप इस पेन में खुद ही आपने दर्द को सह कर अपने आप को स्टेबल कर लिया है। आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अपने आप को कंट्रोल करने में। बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत अच्छी चीज़ आई है, हैप्पी सक्सेस। ब्रेकअप कभी भी अच्छे नहीं होते, कभी भी नहीं अच्छे होते, लेकिन बस संभलना और सब्र जो है वो अल्लाह ताला दे ही देता है। और अल्लाह सब्र दे चुका होता है, हम एज़ ह्यूमन आई थिंक उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हमें किस तरह से सब्र आ रहा है। मेरे ख़्याल से जो व्यूअर्स हैं वो ख़ुद एक बड़े हीलिंग पर्सन बन गए हैं, द हीलिंग लाइट। लाइफ में दुख आते जाते हैं, जाते जाते हैं, परेशानी आती जाती हैं, जाती जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं, लेकिन विद दिस हीलिंग लाइट आई थिंक आप वहाँ अटके हुए नहीं होते, आप आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वो इंसान अभी भी आपके दिमाग में है, भुलाए भी नहीं भूला जा सकता। आप लोगों को बहुत होप देते हैं, यू आर हैप्पी, यू आर सक्सेसफुल, and I think you're doing a great job, you're doing a great work right now, you're creating a lot of good things. Oh, very nice, angel of all four directions. I think aap bahut healed ho chuke hain, waqt guzar gaya hoga, cheeze theek ho gayi hongi, aaj ki reading lambi bhi ho gayi. Theek hai janab, to apna bahut khayal rakhiyega aur दो तीन गाने इस वक्त चैनल हो रहे हैं, बट एक बड़ा अच्छा गाना जो है वो, जो मैंने बार बार बात कह रही थी कि रॉन्ग टाइमिंग्स एंड राइट पर्सन, वो एक गाना है बड़ा खूबसूरत, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा गुजारिएगा, और जिस पर्सन के भी साथ आपका ब्रेकअप हुआ था उसको जब दुआओं में याद रखें तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।